नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। शाम हो चली है, वक्त हो चुका है इस वक्त के बुलेटिन का। आपके शहर में क्या, कब और कैसे हुआ, चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं आज के तमाम सुर्खियों की ओर। तेजस्वी ने की मोदी सरकार की तारीफ, कहा केंद्र बिहार में तेज गति से बना रही सड़कें। 4 लाख रुपए में 150 करोड़ के आलिशान बंगले के मालिक कैसे बन गए तेजस्वी यादव, सुशील मोदी ने किए कई बड़े सवाल। प्रधानमंत्री क्या मुखिया भी बन जाए तो बड़ी बात होगी, उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश पर किया कटाक्ष। राहुल गांधी के घर पहुंची दिल्ली पुलिस, यौन उत्पीड़न को लेकर दिया था बयान। नीतीश तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे ओवैसी, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। स्वाइन और H3N2 वायरस के बाद कोरोना की दस्तक, राजधानी में एक साथ मिले 3 पॉजिटिव मरीज। रोहिणी ने पिता लालू प्रसाद के लिए सिंगापुर में की सत्यनारायण भगवान की पूजा, कहा मेरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। अब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी, बैठकों में लग रहे सीएम बनने के नारे। निदान यात्रा के दौरान जहानाबाद में लोगों से बोले विद्यापति चंद्रवंशी, जाति धर्म से ऊपर उठकर करिए मतदान। नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी बोले देश के 90% दलित ब्राह्मण की वजह से बन गए मुसलमान। उपेंद्र कुशवाहा को वाई प्लस सुरक्षा से जदयू बेचैन, ललन सिंह बोले केंद्र सरकार को रेबड़ी बांटने से वोट नहीं मिलने वाला। बिहार में रमजान पर सियासत, ललन सिंह ने बीजेपी को दिया करारा जवाब, बोले नहीं चलेगी धर्म के नाम पर दुकानदारी। पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों को शिक्षा से दूर करने की साजिश, बोले उमेश कुशवाहा, मोदी सरकार ने स्कॉलरशिप को किया बंद। नीतीश ने बीजेपी को किया मजबूत, ओवैसी बोले सीएम की हैसियत कुर्मी और कुशवाहा से ज्यादा नहीं। मुसलमानों को रमजान में छूट पर बोले संजय जायसवाल, नीतीश बिहार को बनाना चाहते हैं इस्लामिक स्टेट। फिलहाल के इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो जर्नलिस्ट बन रही है हमारे साथ, और देखते रहिए हमारा चैनल डीएनए न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए।